This movie is encoded by Dr. Star. कौन है ये? इस बड़ी और आलिशान मूर्ति का आखिर इतिहास क्या है? ये एरिजोना के सूखे नवाज़ो राष्ट्र की जमीन के नीचे पाई गई है। ये कितनी पुरानी है? इस मूर्ति के नवाज़ो राष्ट्र के इतिहास से कोई भी लेना देना नहीं है, और जिन भी औजारों का उपयोग इस मूर्ति को बनाने में किया गया वो पिछली किसी भी सभ्यता से उसका लेना देना नहीं है। और ये वो सभ्यता है जिससे आज भी ये दुनिया अनजान है। लेकिन अब आपकी मदद से इस सुंदर पहेली को जानने की कोशिश करेंगे कि क्या छुपा है। आपके कोई सवाल हैं? एक सुंदर सी लड़की, क्या आपका नाम शेरो क्रिस्टीन टर्नर है? स्काउट। स्काउट। आज रात आप क्या कर रहे हैं प्रोफेसर? मुझे अच्छा लगा कि आपने ये सवाल पूछा। मुझे भी अच्छा लगा, क्योंकि आप मेरे बहुत ही इम्पोर्टेंट प्लान का हिस्सा हैं। ये तो बहुत अच्छी बात है, और होना भी चाहिए क्योंकि ये बहुत ही सोच समझ कर बनाया गया है। Very cleverly. अहम हिस्सा है। सही कहा ना? क्या तुम वाकई में सच कह रहे हो? विश्वास नहीं हो रहा। तो प्लान ये है कि हमें एक साथ कहीं अच्छा खाना है और वक्त बिताना है। अच्छा प्लान है। आप मेरी सबसे अच्छी दोस्त हैं, मिस शेरो क्रिस्टीन टर्नर। स्काउट। स्काउट। अच्छा लगा, ये वाकई अच्छा है। रियली? उसका कौन सा हिस्सा? अच्छा खाना खाना है, वैसे भी मैं काफी भूखी हूँ। सच में? तो तुमने क्या सोचा? चाइनीज नहीं, हमारे इस शो के बारे में। इससे लोग अट्रैक्ट होंगे। उनकी आंखों से आंसू आ गए। हाँ। कोई बात नहीं, और वैसे भी कोई इंसान क्यों तुमसे अपनी नजरें हटाना चाहेगा। मैं सच में बहुत हॉट हूँ। शायद नहीं, मुझे पता है तुम ये कर सकते हो। क्यों, कोई शक? इसमें शक की क्या बात है, मुझे पता है सच्चाई, तुम ही पता लगाओगे। हाँ, तुमसे बेहतर कोई नहीं, वो भी किसी गंभीर पढ़ाकू लड़कों जैसे कि तुम। जैसे कि मैं? लेकिन उसके लिए मैं वादा नहीं कर सकता। तो आप मुझसे कैसा वादा कर सकते हैं प्रोफेसर? क्या जिंदगी भर की बात है? हाँ शायद। ओह, ठीक है। मैं डेनियल एलन वादा करता हूं तुमसे कि मैं हमेशा इस फोन ने मुझे बचा लिया। सिर्फ थोड़े वक्त के लिए। Hey Brian! Danny! तो क्या तुम मुझे अपनी उस खुफिया जगह से फोन कर रहे हो? सही समझे दोस्त। तुमने मुझे इसलिए फोन किया है जिस चीज के लिए तुमने मुझसे वादा किया था? नहीं दोस्त, अभी नहीं। ये कॉल ये बताने के लिए है कि कोई भी चीज आज नहीं हो रही है। तुम्हें पता है, तुम्हारे अंदर दुनिया बदलने वाली वो बात नहीं रही जो तुम्हें सबसे ऊपर पहुंचा दे। नहीं नहीं नहीं, इस बार ऐसा नहीं है। अब मैं सबसे ऊपर पहुंचूंगा, मेरे ऊपर शक मत करना। ठीक है, नहीं करूंगा। अच्छा तो अब मेरा भरोसा करो, तुम्हारी उस खोज से लाख गुना अच्छी है। ये ज्यादा हो गया। मुझे नहीं लगता, मगर उसमें थोड़ा टाइम लगेगा क्योंकि चीजें अभी मेरे हाथ से निकल रही है, तो माफ करना। ठीक है? ठीक है।
लेकिन मुझे तुम पे शक होने लगा है। सब्र का फल मीठा होता है मेरे दोस्त, वादा करता हूँ। अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है, अगर मन करे तो चैनल देख लेना। वाकई? बिल्कुल, मैं कोशिश करूंगा। ठीक है, अपना ख्याल रखना। ये भी ना, पता नहीं कहां से कॉल कर रहा था ये। उसे लगता है कि वो तुमसे बेहतर है। हाँ। क्या वो तुम्हें नीचा दिखा रहा है? हाँ शायद। और हाँ, अब हमें अपना अच्छा खाना और समय बिताने का काम साथ में जाके जारी कर देना चाहिए। हाँ क्यों नहीं। चांद पर आदमी भेजने के बाद ये सबसे बड़ी खोज है। नहीं नहीं नहीं, एकदम बेकार है, बकवास है। ठीक है, उससे बेहतर करना होगा, सोच समझ कर बोलना होगा। परेशान मत हो, थोड़ा सोचो। हाय, आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा मिस्टर कार्टर। माफ करिएगा, मैं किसी और का इंतजार कर रहा। जानता हूँ, कुछ बड़े लोगों का। एबीसी, एनबीसी, सीएनएन। हाँ, सही समझा। शर्मिंदा होने की जरूरत नहीं है, मैं समझ सकता हूँ। मगर इससे पहले कि तुम अपना टाइम उन्हें दो, मैं और हम ये पता लगाने आए कि तुम्हारी वो कमाल की उसकी खोज खोज हाँ। खोज कहलाने लायक है या नहीं, बुरा मत मानना। नहीं नहीं, बुरा मानने की बात नहीं है। मैं आपकी जगह होता तो यही करता, अगर किसी ने ये वैसी चीज नहीं है। मैं भी बिल्कुल यही चाहता हूँ। आपको निराशा नहीं होगी, ये शानदार है और हमारी सोच के परे है। इसको देखकर आपको विश्वास नहीं होगा। आपका नाम? कॉन्ट्राल, तुम मुझे रिचर्ड कह सकते हो। और ये है निकोल, मेरी असिस्टेंट। हाय। हाय। ठीक है, तो रिचर्ड इस तरफ आओ, इस तरफ चलिए दुनिया की सबसे अद्भुत खोज देखने के लिए। धत। That is wonderful. बड़े लोगों का वक्त है, क्यों रिचर्ड? तो हमें करीब करीब 2000 टन मिट्टी हटवानी पड़ी। उसके बाद हमें नहीं, मुझे पहले तो मुझे लगा कि ये बस एक नया स्तर होगा, लेकिन जब मैं इसके पास गया और देखा कि मजदूर उसे हटा रहे थे, मैंने जल्दी करवाया। बहुत अच्छा काम किया इब्राहिम। हाँ हाँ, देखो मैं नहीं चाहता कि लोग इसके बारे में बकवास करें। मैं भी नहीं करूंगा। सर इसको देखो, कितना नया लग रहा है। ऐसा लग रहा है कि जैसे कल बना हो। सही कहा तुमने, एक भी खरोच नहीं है इस पर। ये 14,000 साल पुराना होगा। वाकई 14,000 साल? हाँ। तुम्हें इस बात का कैसे पता चला? हाँ, इसके चारों तरफ की मिट्टी को देखकर लगता है। भूवैज्ञानिकों का मानना है कि ये तब से यहीं पे पड़ा हुआ है। हाँ, इस लेखनी को देखिए, ऐसी भाषा मैंने तो कभी नहीं पढ़ी। ये लाजवाब है। तुम्हें लगता है लाजवाब है? इसके चौंका देने वाले हिस्से को नहीं जाना तुमने। तुम्हें पता है किसकी खोज की है? जल्दी बता दो, चुप्पी पसंद नहीं है। तुम्हें क्या लगता है कि ये कोई साधारण कबाड़ है? ऐसा नहीं है। इस वक्त हमारे सामने एक एलियन स्पेसशिप है, एक बहुत पुरानी एलियन स्पेसशिप। मैं यहां पर भगवानों के रथ की बात नहीं कर रहा हूं रिचर्ड। तुमने देखा? शायद ये अभी भी काम कर रहा है। महसूस करो, अंदर की शक्ति महसूस हुई? ये अभी भी काम कर रहा है। शायद हाँ, शायद हाँ। और ये सिर्फ अंदर से ही नहीं, बल्कि ये पूरा मैदान वाइब्रेट कर रहा है। ओ सच में? मेरे ख्याल से तुम सही बोल रहे हो। मैंने बोला था। हाँ तुम सही बोल रहे हो निकोल। अगर ये सही है, तुम्हें पता है इसका मतलब क्या हुआ? मुझे पता है कि तुम जानते हो इसका मतलब क्या है।
हाँ मैं अच्छी तरह जानता हूँ। क्या पागल आदमी था। मेरे सामने कभी भी किसी को मारने की कोशिश मत किया करो निकोल। तुम जानती हो मुझे अच्छा नहीं लगता है। तुमने अभी जो किया वो बहुत घिनौना था, लेकिन जरूरी भी था। तुम्हारा अगला काम है, तुम ध्यान रखो कि इसके बारे में कोई ना जान पाए। जरा रुको, मैं देखता हूं ये आखिर है क्या। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तुम्हारे सारे राज तुम्हें जल्द ही खोल दूंगा। तुम्हें इसके बारे में जानने की लगन है और हम इसका राज पता करके रहेंगे। बिल्कुल, और लोग खुशी से रोने लगेंगे जब वो जानेंगे कि तुम मेरे सुझाव पर चल रहे हो। हाँ, कोई भी लड़का तुम्हारे सुझाव से चलेगा तो अच्छा ही होगा। खाना? चलो चलते हैं। कैसा लगेगा ये अगर तुम्हारे शो की पहली पिक्चर हो? काफी कूल है ना? तब होती जब तुम्हें पता होता कि ये क्या है। पर तुम हो कौन? बहुत ही सही सवाल है मिस्टर। मैं हूँ रिचर्ड कॉन्ट्राल। और वो कौन है? एक ऐसा शख्स जो छुपे हुए लोगों तक संदेश पहुंचाता है। और जो यहाँ है? ओ, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इस समय जो सबसे जरूरी है वो ये है कि उनकी किस्मत बहुत अच्छी थी कि उन्होंने ये अद्भुत प्राचीन चीज खोज निकाली। बस इतना ही? नहीं, ये तो उसका बहुत छोटा हिस्सा है और इसके बाकी के हिस्से वाकई काफी पुराने हैं। अच्छा, काफी पुराने। तुम्हारा कहने का मतलब क्या है? 10,000 साल पुराना है। चौदह हजार साल मतलब? हाँ, इतना पुराना। शायद उस वक्त के बारे में कोई जानता नहीं होगा। बस इतना मान लो कि ये उस समय की बात है जब शायद यहाँ पे एलियन करते थे भगवानों के रूप में। आखिर आप जानना क्या चाहते हैं? मैं समझी नहीं। मुझे ये पता करके बताओ कि आखिर ये चीज है क्या और ये हमें आखिर बताना क्या चाहती है। उस समय की नदी से? बहुत ही सही कहा। तो मिस टर्नर, आप हमसे किस तरह जुड़ना चाहेंगी हमारी इस खुफिया नदी के बारे में पता लगाने के लिए? ये बहुत ही सुंदर है। वाह, मुझे नहीं पता था कि इसकी सतह इतनी परफेक्ट होगी। हाँ, सही कहा। बनी बनाई औजार से तराशी। मगर बिल्कुल सही समझे। इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम लोग इसको देखो, इसको समझो। फोटो देखकर कुछ समझ में नहीं आता। सही कहा, वो तो मैं जानता हूँ और यही मेरी खासियत है। और तुम दोनों मेरी मदद करोगे मुझे ये बताने में कि आखिर इसके ऊपर जो लिखा है उसका क्या मतलब है, या कुछ मतलब है भी या नहीं। और ये हमें करना होगा? हमें इसकी सतह की बनावट का लेजर स्केच चाहिए होगा। मिल जाएगा, उसका ऑर्डर कर चुका हूँ। जो तुम हमेशा करते हो। सही कहा। सुनो, यहाँ देखो, ये इसके ऊपर का हिस्सा, ये बिल्कुल इसकी तरह है। इसकी तरह? ओ हाँ, सही पहचाना। मैंने तो इस पर ध्यान ही नहीं दिया था। बहुत अच्छे मिस टर्नर। तो इसका मतलब इसके अंदर जो धसा हुआ है वो शायद सितारों से बना हुआ रथ या भगवान का रथ। क्या बात कर रहे हो? मेरे दिल की बात बोल दी तुमने। ठीक है, अभी हम इतने आगे की नहीं सोचते हैं क्योंकि अभी हम कुछ नहीं जानते। हाँ, ये बात तो तुमने बिल्कुल सही कही। तुम इसके अंदर का हिस्सा क्यों निकाल रहे हो? बात तो सही है। हाँ, जरूर करूंगा मिस टर्नर, यही तो मैं चाहता हूँ। लेकिन पहले इसके बारे में पता तो चले। ये 14,000 साल तक पड़ा रहा, थोड़ा और रुक सकता है जब तक हमें इसके पीछे की कहानी के बारे में पता ना हो। और ये काम अब तुम्हारा है मिस टर्नर। जो हमें करना होगा। नहीं, ऐसा नहीं है। हमारा काम ही है प्राचीन समय के लेख का ट्रांसलेशन करना, मगर ये दूसरी दुनिया का लगता है। ज्यादा अंतर नहीं है।
हम जरूर करके दिखाएंगे। मैं जानता हूं तुम कर लोगी। हां जरूर। क्या राज छुपाया है तुमने और तुम यहां क्या कर रही हो रहस्यमय औरत? हे, तुम ठीक हो ना? हाँ। पक्का? हाँ ठीक हूं। ठीक है। सितारों से तो नहीं, पिछली जिंदगी से वास्ता है। तुम यहां क्या कर रही हो? स्काउट डैनियल, मैं इसका राज जानती हूं। इसको समझना कि इसका राज ये एलियन का लेख है। कैसे करें? तो फिर तुम ही बताओ। एलियन, मुझे तो ये कोई भगवान का रथ नहीं लगता। और ना ही एलियन का स्पेसशिप। नहीं, ये इंसानों के हाथ का बनाया हुआ है। धरती के लोगों का? हाँ, और उन्होंने एक मैसेज छोड़ा है। हाँ, फिर देखते हैं कि मैं ट्रांसलेट कर पाता हूँ या नहीं। वही तो हम करते हैं। सितारों से नहीं, हमारी पिछली जिंदगी से। क्या तुम तैयार हो? ड्राइवर बस आता ही होगा, वक्त भी हो गया है हमारे काम को अलविदा कहने का। अब इसका क्या मतलब हुआ? कुछ नहीं, जाने दो। क्या हुआ? ऐसे पेश मत आओ प्लीज। मैं तो ऐसी ही हूँ जिसे मैं प्यार करता हूँ, जिसने सारे लेख को समझ लिया, उसके बाद वो अजीब तरह से पेश आ रही है। तुम्हें इससे पहले ही रुकना था। मैं जैसा पहले था वैसे अब भी हूँ। सुनो दोस्तों, गाड़ी आ गई है। शुक्रिया, वैसे तुम अच्छे वक्त पर आए हो। लंबी सी गाड़ी खड़ी है बाहर। तुम उसका कलर हो गया? आंखें खुली की खुली हैं। बंद करने की कोशिश करो। कोशिश कर रहा हूं। ये कोई एलियन स्पेसशिप नहीं है जो दूसरी दुनिया से आया है, लेकिन यह शायद कोई ऐसी चीज है जिसे आज से कई हजार साल पहले के लोगों ने बनाया था। वैसे तो हम इसके बारे में काफी कुछ जान गए हैं, उसके ऊपर जो लिखा है उसका मतलब क्या है और ये काम जिन्होंने किया है, मैं आपको उनसे मिलवाना चाहता हूं। दो बहुत ही हुनरमंद साइंटिस्ट्स, डॉक्टर डैनियल एलन और मिस शारन टर्नर। शुक्रिया मिस्टर कॉन्ट्रल। ओ प्लीज रिचर्ड। गुड आफ्टरनून एवरीवन। गुड आफ्टरनून। जैसा कि रिचर्ड ने हमारे काम के बारे में आप लोगों को बताया, मैं इसे गलत बताना चाहूंगा क्योंकि मिस्टर ने पता लगा लिया है।
और वो भी काफी आसान तरीके से। कोई भी ये कर सकता था। नहीं, ये इतना आसान भी नहीं था, लेकिन आजकल की हाई टेक्नोलॉजी से इस भाषा को समझना मुश्किल भी नहीं था। जो हमने समझ लिया, इसे समझने के लिए हमें मेहनत नहीं करनी पड़ी। आप दोनों बहुत अच्छे हैं। अच्छे ये हैं, मैं नहीं। सही कहा, मगर उसकी बनावट कुछ ऐसी है कि कोई भी पढ़ा लिखा इंसान उसे आसानी से समझ सकता है और सीखना। आपकी रिपोर्ट में कौन सी भाषा का उपयोग हुआ है? हाँ, मगर उस भाषा से हमें कोई मतलब नहीं है। मुझे कुछ समझ में नहीं आया। ओके, उसे पढ़ने के बाद हमने ये जाना कि वहाँ जो भी लिखा है उसमें बहुत सारे राज छुपे हुए हैं, जो हम आपको बताने वाले हैं। और जिसने भी ये लिखा वो बिल्कुल हमारे ही जैसा है। एंड मिस टर्नर, स्काउट, थैंक यू। जिसने बनाया उसने उसे एक ड्राफ्ट समझकर बनाया, और मुझे लगता है वो एक सच्चा कैरेक्टर है हमारे प्राचीन इतिहास का, और ये उसको आसानी से निकालेंगी। सच में तुम ऐसा कर सकती हो? हाँ, वही तो मैं करती हूँ। तो फिर करके दिखाओ मिस स्काउट। ये दुनिया हमारी है अनगिनत सालों से, जिस पर कोई राज कर रहा है कुछ अच्छा करने के लिए, पर ऐसा नाम जिसे मैं बोल नहीं सकती। उसने ब्रह्मांड को भी उसकी हाथ की रचना को मिटाने से रोक लिया। वो हमारा भगवान है, मेरा प्यार। ताकत चाहती है कि ये दुनिया एक नई दुनिया बन सके और उसके लोग अपनी जिंदगी जी सके। मैं उसके पास वापस नहीं जा पाई जहां वो मेरा इंतजार कर रहा था। जो लोग इस दुनिया में आएंगे उस समय की नदी में, उनके लिए मैंने उसका नाम लिखा है, ताकि कोई भी उसका नाम ना भूल सके, हमारे ईश्वर का। एक लव लेटर? हाँ, कहा जाता है। हाँ हाँ, वही जो उस समय की नदी से आया है। काफी रोमांटिक है और काफी लाजवाब। हाँ, बहुत ज्यादा। तुम दोनों और क्या जानते हो इस प्राचीन इतिहास के बारे में? बहुत कुछ, अगर आप बस इतना चाहते। चीजों का क्या जो नीचे धसी हुई हैं? कुछ नहीं, लेकिन वो हमें करने नहीं देंगे। अब आपके पास सारी जानकारियाँ हैं और हमें लगता है कि ये एक बहुत ही अद्भुत खोज है। जिस जिसको मैं, मतलब हम सुलझाना चाहते हैं। मैं आपकी इच्छा समझ सकती हूँ, मगर 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 आपने अपना काम अच्छे से किया और अब ये खत्म होता है। हम आपको शुक्रिया बोलते हैं और आपकी फीस आपके अकाउंट में जल्दी पहुंच जाएगी। अब दूसरे लोगों की बारी है। मैं आपकी बात से सहमत नहीं हूं। हमने इसके बारे में सारी जानकारी निकाली है, तभी तो हम ये कर सकते हैं। फिर से आपको शुक्रिया बोलूंगी। अरे मेरी जाने दो इन्हें। मिस्टर कोंट्राल। जी हाँ। आप ऐसा करें कि इन्हें ये क्या है इसका? मैं बाद में बात करती हूँ। तो अभी तक हमने जो भी जानकारी निकाली उससे यही साबित होता है कि हम इस काम को कर सकते हैं। मैं आपकी बात समझ रहा हूँ मिस टर्नर, लेकिन आपका काम खत्म हो गया। क्या तुम ये बात समझ रहे हो? हाँ, हमें अपने एग्रीमेंट की समझ है, मगर लेकिन हम सबसे ज्यादा जानकार हैं। हम जल्द ही आपसे फिर से बात करेंगे। बहुत जल्द, लेकिन हमें अभी बात करनी चाहिए। अरे नहीं, ये सब क्या? अभी के लिए चलो यहाँ से। ओके ठीक है, मिलते हैं। तो शुरू करें।
हाँ बिल्कुल। मुझे पीना है लेकिन जश्न के लिए नहीं। क्या तुम इतनी उदास क्यों लग रही हो? ऐसा क्या हुआ? कुछ भी नहीं, सब ठीक ही है। ठीक है, अब हमें इस बारे में नहीं। हमने उन्हें अपनी जानकारी दी और उन्होंने कहा कि अपने काम से मतलब रखो। ऐसा क्यों? नहीं ऐसा तो कुछ नहीं हुआ था। सच में? फिर क्या हुआ था बताओ। हमने खत्म किया अपना काम। अपना काम? हमें जो काम मिला था हमने वो किया और पैसे लिए, बस अपना काम। तो एक खोज करना, उसको समझा, शायद पूरी दुनिया को बदल सकता है, सबका नजरिया बदल सकता है, ये हमारा पेशा है। दुनिया को बदलना, मैं जानता हूँ दुनिया को बदलना दुनिया चाहिए। को जरूरत है बदलने। इस खोज से कुछ बदलेगा तो तुम गलत हो। नहीं ऐसा नहीं है डैनियल, अगर हमने ये राज पूरी दुनिया के सामने खोल दिया तो लोगों का नजरिया इतिहास के प्रति बदल सकता है। शायद। शायद नहीं, तुम्हें पता है कि मैं गलत नहीं बोलूंगी। हाँ तुम गलत नहीं हो। शुक्रिया प्रोफेसर। मगर तुम इस बात से ज्यादा परेशान हो कि तुम्हें इस बात का क्रेडिट नहीं मिला। हाँ सही कहा, मेरा यही सपना था कि लोग मेरे बारे में गलत न्यूज फैलाएं। माफ कर दो, मैं जानता हूं कि तुम ऐसी नहीं। माफ किया तुम्हें। ठीक है मैं तुम्हारी बात सुन रहा हूँ, बताओ अब क्या करना चाहती हो तुम? डैनियल मैं इस खोज के बारे में और जानकारी हासिल करना चाहती हूँ। मैं जानना चाहती हूँ कि ये लेख किसके हैं और किसने लिखा है ये, और उस औरत के बारे कैसे में पता भी। और वो औरत है? अरे वो औरत ही है। और मैं ये भी जानना चाहती हूँ कि उस औरत ने इतना बड़ा जोखिम अपने ईश्वर के लिए कैसे लिया, वो भी 1400 साल पहले। पहले ऐसी दुनिया थी जो आज से भी ज्यादा आगे थी। इसे बिल्कुल भी नजरअंदाज नहीं करना होगा। और फिर उन्हें क्या हो गया, कैसे उनकी सभ्यता कैसे खत्म हो गई? एक सवाल है ये। और हमें इसके बारे में पता करने से क्यों रोका जा रहा है? मुझे नहीं पता। और हमें तो ये भी नहीं पता कि उनका अगला कदम क्या होने वाला है इस बारे में। सही बोला। और वो लोग होते कौन हैं? और मुझे थोड़ा सा अजीब लगा उनसे मिलकर। मुझे भी। तो बाहर में जाने दो, हम मीडिया में जाएंगे। यस राइट, हम पूरी दुनिया को बताएंगे उनके झूठ के बारे में। इसलिए तो मैं तुमसे इतना प्यार करती हूँ, तुम्हें पता है। मैं भी। पीने के लिए तैयार हो? हाँ जश्न मनाने के लिए। ग्रेट, तो ठीक है। ओ आखिर इसमें क्या दिक्कत आ गई, मेरी मदद कर सकते हो? ठीक है। नहीं स्कूट। हाँ क्यों नहीं। पता है ना तुम्हारे लिए पागल हूं मैं। यही तो मेरा काम है। पागल बच्चे। लगता है इंटरव्यू का वक्त हो गया। हेलो हैंडसम। चलो इसे मजेदार तरीके से करते हैं। तो क्या हम तैयार हैं? हाँ हाँ एकदम तैयार है। रेजोल्यूशन कैसा है? इतना अच्छा तो नहीं है मगर काम चल ही जाएगा। बस दिक्कत नहीं आनी चाहिए।
548 बड़ी बड़ी मशीनें लगी हैं जो सारी इंफॉर्मेशन इसमें मशीन में डाल रही हैं। हाँ, काम तो हो जाएगा। तो फिर बस काम शुरू कर दो। तस्वीरें साफ दिख रही हैं, मगर जो हम देख रहे हैं वो इतना आसानी से समझ में नहीं आएगा। ओह, लगता है कुछ खराब हो गया है। नहीं, ये तो अच्छा है। इसको थोड़ा बड़ा करके दिखाओ। हाँ, क्यों नहीं सर, हम शुरू करने जा रहे हैं। वाह, ओ ये क्या, थोड़ा और पास से दिखाओ। ये इससे ज्यादा नहीं हो सकता। और ये हमें एक नया सुराग मिला है। ये तो बिल्कुल नई पहेली है। ऐसा कुछ पहले कभी नहीं देखा। ध्यान रखना चाहिए, ये जरूर एक्टिवेट हो रहा है, मैं कंफर्म हूँ। अब मिस्टर कंट्रोल, मैं आपको कुछ दिखाना चाहती हूँ। कोई असर नहीं, हीरे की तरह एकदम सघन और असीम। ओ, ये तो कमाल है। इसको तोड़ने के लिए हमें न्यूक्लियर शक्ति की बहुत आवश्यकता है। तोड़ने का तो सवाल ही नहीं उठता। आप ऐसा कर सकते हैं? तुम्हें अंदाजा नहीं है मैं क्या कर सकता हूँ। ये क्या बात हुई? लेकिन फिर हमारी ये खोज किसी काम की नहीं रही अगर मैंने इसे तोड़ने की कोशिश की तो। लेकिन मैं जानना चाहता हूँ इसके अंदर कितने राज छुपे हुए हैं। इसके जैसा नीच इंसान मैंने आज तक नहीं देखा। इतनी तारीफ कम है उसके लिए, और वो अपनी सबसे बड़ी खोज पर बैठा हुआ है। वो तुम्हारे जितना अकलमंद नहीं है ना? तो मैं आपको बताना चाहूंगी कि आप जल्द से जल्द सोच लें कि क्या करना है। तुम्हें पता है तो पूछ क्यों रही हो? क्योंकि हमारे सेंसर्स दिखा रहे हैं कि इसके अंदर की गतिविधि बढ़ रही है। इसके अंदर के सर्किट्स या इंजन कुछ तो चलने लगे हैं। मतलब फिर चालू हो सकता है? हाँ। ये तो कमाल है। शायद ये उड़ान भरने के लिए तैयार हो रहे हैं। अभी 14,000 साल इंतजार करने के बाद? हाँ, क्योंकि इससे पहले ये हजारों किलो धातु के नीचे ढका हुआ था, और जब हमने वो सब हटा दिया तो उसके अंदर के हिस्से को आजादी महसूस हुई होगी। क्या ऐसा हो सकता है? मुझे इसकी शक्ति का अनुमान नहीं है, मगर मैं ये जानती हूँ कि ये उड़ान भरने के लिए तैयार हो रहा है। तो फिर हमें इसके इरादे बदलने चाहिए। क्यों? क्या आप बॉस हैं? हाँ, मैं ही हूँ। डॉक्टर हेलन, कैसी हैं आप? अरे नहीं, तुम यहीं रहना। दुनिया को तुम्हारे बारे में बताने का वक्त आ गया है। और तुम्हें ऐसा क्यों लगा कि तुम ये सब कर सकते हो? निकोल, टारगेट सामने, उसे खत्म कर दो। मुझे माफ करना, मैं तुम्हारा काम खत्म नहीं कर पाया। सब ठीक है? क्या हुआ? मौत और तबाही का। परेशान मत हो। सब कुछ जल रहा था और मैं कुछ नहीं रोक पाई। इट्स ओके, एक बुरा सपना था। ओके, मुझे माफ कर देना प्लीज। कोई बात नहीं, वो काफी डरावना था। हाँ, वो एक सपना था। तुम बहुत समझदार हो। और प्यारा भी। इतने भी नहीं। क्या मैं तुम्हें हग कर सकती हूँ? हाँ, क्यों नहीं। कैसा लग रहा है अब? बहुत अच्छा लगा। मिशन पूरा हुआ? याद रखिए, हम भगवान के बनाए हुए हैं, और हमारे भगवान ने हमारे लिए सख्त नियम बनाए हैं जो शास्त्रों में लिखा हुआ है।
हम बताते हैं कि हमारा हक है अपनी जिंदगी अच्छे से जीने का। यही हमारी जिंदगी का उद्देश्य होना चाहिए। इस धरती के तोहफे को इस्तेमाल करके हमें हमेशा अच्छी जिंदगी के बारे में ही सोचना चाहिए। तुम्हें यहाँ होना चाहिए, अच्छा खाना और अच्छे लोग। शुक्रिया। कोई बात नहीं, मुझसे वादा करो सही सलामत घर पहुंच जाओगी। भगवान तुम्हारा भला करे। तुम्हारा भी। शेरन टर्नर जो कि 22 साल की है उनको ढूंढा जा रहा है। डॉक्टर डैनियल एलन का मर्डर करने के लिए एलन की जली पार्थिव शरीर हमारे फायर फाइटर्स को कल रात उनके घर ओक पाम से मिला। ऐसा कहा जा रहा है कि एलन और टर्नर का अफेयर चल रहा था, लेकिन एलन इस रिश्ते को खत्म करना चाहते हैं। आप यहाँ बिना कुछ ऑर्डर किए नहीं बैठ सकती हैं। कॉफी। ये मेरा ऑर्डर नहीं है। हम आपको कॉफी नहीं दे सकते, ये कॉफी का वक्त नहीं है। कुछ समय से उस सड़े हुए सीवर ने पूरे शहर के पानी को गंदा करके रख दिया है। मेरी मूर्ख बॉस को ये जगह बंद कर देनी चाहिए थी। बुरा लगा सुन के। हाँ, मगर आपको कॉफी से ज्यादा इसकी जरूरत है। इसके पैसे नहीं लगेंगे, आपकी हालत काफी खराब है। शुक्रिया इस क्रीम के लिए। कोई बात नहीं, आजकल कोई भी मीठा खाना नहीं पसंद करता, पूरी दुनिया मानो पागल हो गई है। हाँ। क्या आपको नौकरी चाहिए? नहीं, मैं ठीक हूँ। अच्छा ठीक है। वैसे सीवर को ठीक करते समय उन्हें मदद की जरूरत पड़ेगी, और ये हो सकता है अगर ओनर को कंफर्म हो जाए कि तुम उसको मारने वाली नहीं हो। नहीं चाहिए। ठीक है। कोल्ड है या? आंसू है। नहीं रुक सकता। कोई बुरी खबर? बहुत ही बुरी न्यूज। मैरी, उनसे कॉफी के लिए कौन पूछेगा? मंत्रियों से पूछो। कितना बुरा? बहुत बुरा, खो दिया मैंने। तुम्हारा बॉयफ्रेंड? हाँ। नहीं, वो सिर्फ बॉयफ्रेंड नहीं था, बस वही था जिसने मेरी काबिलियत देखी, मुझे पहचाना, मुझे समझा। देखो ऐसा होता है, तुम्हें कोई और मिल जाएगा। आज उसको मार डाला। ओह, मार दिया। बहुत बुरा हुआ। और उनका कोई कुछ नहीं कर सकता। कोई ऐसा कैसे कर सकता है? नहीं, वो बहुत पैसे वाले हैं। मुझे नहीं पता कि क्या हुआ है, मुझे जाना है अभी, मगर तुम्हें इसका हिसाब लेना पड़ेगा। मैं नहीं कर सकती। कुछ भी करो, तुम उन बुरे लोगों को जीतने नहीं दे सकती, और तुम्हें अपने लक्ष्य को पूरा करना होगा। क्या यह हमेशा गलत समय पर बजता है? और इस फोन में हमेशा लोकेशन बताने की गंदी आदत होती है, इसलिए संभल के रहना। गुड इवनिंग। यहाँ मौजूद सभी को एक बार फिर से गुड इवनिंग। तुम जानते हो कि हमने तुम्हें यहाँ क्यों बुलाया है ना रिचर्ड? हाँ, मैं अनुमान लगा सकता हूँ। अनुमान मत लगाओ, हमें बताओ। प्लीज। आपको ये बताने के लिए कि उस प्राचीन स्पेसक्राफ्ट को हम क्यों नहीं फेंक सकते। उसको तबाह करो, उसके लोगों को पकड़ो और उनको भी खत्म कर दो।
आप सब जानते हैं कि मैं अंत में आपकी ही बात मानूंगा। अंत में? नहीं, आप मेरी बात का गलत मतलब मत निकालें। तो हम क्या करें? मैं सिर्फ इतना चाहता हूं कि मुझे आप थोड़ा और ज्यादा वक्त दें, ये मेरी रिक्वेस्ट, ताकि मैं उसकी और अच्छे से जांच कर सकूं। हम थक चुके हैं तुम्हें समझाते समझाते कि वो जो भी चीज है, हम नहीं चाहते कि उसका कोई भी असर आज के लोगों पर हो। आप सब मुझे उस पर काम करने से मना करेंगे ये जानने के बाद भी कि वो कोई राक्षस या एलियन ने नहीं बल्कि हमारी मनुष्य प्रजाति ने बनाया है और वो हमारी जिंदगी का एक बहुत ही अहम हिस्सा हो सकता है? हाँ, उसके बाद भी। शायद तुम ये भूल रहे हो कि ऐसी चीज के बारे में लोगों को पता चलने के बाद हमारी शक्तियां उनके प्रति कम हो सकती हैं। मैं भूला नहीं हूं। उसको बंद करने का टाइम अब आ गया है। समय जा चुका है और मैं जल्द से जल्द आपकी इच्छा पूरी करूंगा। समझ लीजिए कि वो मिट्टी में मिलकर हवा में उड़ गया। उसके आदमी ढूंढ कर मारे जा चुके हैं। ध्यान रखना कि कोई ना बचे। जी जरूर। गुड इवनिंग रिचर्ड। हेलो, कैसे हैं मिस्टर कोंट्राल? मैं ऑर्डर देता हूं कि तुम काम को जल्द से जल्द पूरा करो। ठीक है। और एक बात बिल्कुल मत भूलना कि क्या मैं भी उन इंसानों में से एक हूं? ओह, कितनी ड्रामेबाज हो तुम। वैसे तुम यहाँ अंदर तक कैसे आ गई? शायद मैं कुछ ज्यादा ही लड़कों को पसंद आ गई। ओह, तुम पसंद आ गई, मुझे फर्क नहीं पड़ता। मुझे भी कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम जानती हो ना कि तुम यहाँ से जिंदा बाहर नहीं जा पाओगी? हाँ, मैं वो समझ गई थी। तो फिर अंदर क्यों आई? तुम्हारा गला काटने के लिए। ओ, इतना बुरा सोचती हो? हाँ, मैं ऐसी ही हूँ। मिडिल क्लास की लड़कियाँ ऐसा ही सोचती हैं, और वो भी इसलिए क्योंकि मैंने तुम्हारे प्यार को खत्म कर दिया। अपने घुटनों पे बैठ जाओ। उसकी बात सुनो। मुझे पता था कि तुम जैसा इंसान औरतों के साथ ऐसे ही पेश आता है। तुम बार बार ये घिसी पीटी और बकवास बात क्यों करती जा रही हो शैरन? बाहर में जाओ। ओ, मुझे तुम्हारा बर्ताव अच्छा लगा। तो चलो मुझे बताओ कि सारी सिक्योरिटी को चकमा देकर तुम यहाँ अंदर किस तरह आ गई शैरन? तुम्हारी ये गर्लफ्रेंड जब सिगरेट पीने चली गई थी। निकोल, मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं। तुम्हारे बॉस लोगों को थोड़ी ढंग की जॉब मिलनी चाहिए। ओ, वो तो हर जगह की प्रॉब्लम है। और मुझे माफ कर दो शरण, क्योंकि हम आपस में बहुत ज्यादा देर तक बात नहीं कर पाएंगे। इसे जल्दी ठिकाने लगा दो। और हाँ, तुम्हें पता लग गया कि निकोल इस काम में कितनी माहिर है। अरे ये क्या? ओ ओ, ये तो बहुत बुरा हुआ। क्या तुमने हमारी सारी बातें सुन ली? लेकिन मैं कुछ नहीं जानता। मेरी मदद करो। ये तरीका तुम्हारा मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आया। बिना वक्त बर्बाद किए तुम्हें खत्म करना जरूरी है अब। मिस्टर कोंट्राल, बोलिए। जब वो औरत कैमरे के सामने आती है तब रीडिंग हद से ज्यादा बढ़ गई थी। क्या मतलब है तुम्हारा? स्पेसशिप की रीडिंग। क्या सच में? हाँ। जब इसकी शक्ल सामने आई? अपना कैमरा इसकी तरफ करो। प्लान को बदलना होगा, इसे साथ ले चलो। और हाँ, ध्यान रखना ये काफी शातिर और तेज है। कैसी हो शैरन? आओ चलो देखा जाए कि इस पहेली के तुम कितने हो या नहीं। पागल हो तुम? सर, रीडिंग चेक करिए। जबरदस्त है। इधर लाओ जरा, मैं इसे देखता हूं। ये तो सच में बहुत ही इंटरेस्टिंग है। और वैसे भी तुम तो हमारे इस छोटे से प्रोजेक्ट में जुड़ी हुई हो ना? नहीं, मैं बस इसकी भाषा को समझ सकती हूँ। काम कर रही थी और कुछ नहीं। नहीं, तुम इससे ज्यादा काम की, और ये इत्तेफाक ही है। ये जहाज जमीन के नीचे 14,000 सालों से पड़ा हुआ और जब बाहर निकला तो तुम्हें देखकर काम कर रहा है। ये क्या मजाक है? मुझे नहीं लगता। पहली थोड़ी बहुत सुलझ रही है। हार में जाओ तुम। देखो शैरन,
अगर तुम्हें इतिहास का हिस्सा बनना है। ये तुमसे मिलने के लिए बेताब है। कैमरे को आराम से रखिए, दूसरा ले लेना। चलो थोड़ी सैर करके आते हैं। मैं यही रह के संभालता हूँ इसे। थोड़ा होशियार। और वो बेवकूफ चाहते थे कि मैं इसे खत्म कर दूं। ले आओ इसे। तुम्हारी ये बात तो बिल्कुल सही थी। ये वाकई खूबसूरत है। ये तुम्हारा नहीं है। हाँ, तो फिर किसका है? ये दुनिया। दुनिया का है, साइंस का है। हाँ। ओ, लेकिन ऐसा होने वाला नहीं है। और तुम रात थोड़ी सैर के लिए चलोगी और देखते हैं कि क्या होता है। चलो चलो चलो, डरो मत। मुझे अच्छे से पता है कि ये चीज तुम्हें तो नुकसान नहीं पहुंचाएगी। हाँ, मगर तुम इससे नहीं बचोगे। रुको, बात सही कही तुमने। घुटनों पे बैठ जाओ। क्या? घुटनों पे बैठ जाओ। क्या बकवास? बकवास नहीं कर रहा, जो कह रहा हूँ वो करो। अपने हाथ उसके ऊपर रखो और उसे छुओ। हो, कितना बेताब है ये तुमसे मिलने के लिए। क्या महसूस हो रहा है? मैं पूछ रहा हूँ, क्या महसूस हो रहा है? ये बहुत ठंडा और शक्तिशाली भी है। ओ, कमाल है, ठंडा और शक्तिशाली, बहुत बढ़िया। थैंक यू शैरन। इसे करने का इससे बेहतर तरीका और कोई नहीं हो सकता। देखो, ये सब एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। ठंडा और शक्तिशाली शैरन, ठंडा शक्तिशाली। और जब ये मेरे कब्जे में होगा, जब मैं इसे चलाऊंगा वो भी अच्छे से, तब ये सिर्फ मेरे हाथ में होगा और मैं इसका मालिक बन जाऊंगा और फिर पूरी दुनिया रिचर्ड कंट्रोल की बात मानेगी और ऐसा ही होगा। बेवकूफ। सिगरेट पीने का वक्त हो गया तो मुझे अच्छे लगे, बहुत अच्छे लगे। मजे करना लड़की। हेलो, क्या बाहर कोई है? क्या चल रहा है? हेलो, Thank you.
सुनो, तुम ये रोमांचक सफर मिस करना चाहती हो? तुम्हारे इस दोस्त को समझ में आ गया है कि तुम अब उठ चुकी हो। हे भगवान, तुम्हें अब कैसा महसूस हो रहा है ये बताओ। तुम चुप हो जाओ। अपने कपड़े उतारो। और घुटनों के बल पर खड़ी हो जाऊं? अरे नहीं, तुम इतनी भी सुंदर नहीं हो। जल्दी से उतारो, तुम करो वरना वो कर देगी। हाँ हाँ, ठीक है ठीक है। Don't forget your socks. Stop helping me. अंतरिक्ष की रानी, तुम्हें नहीं पता कि तुम कितने पास हो। तो मेरी समझाओ, तुम क्या कहना चाहती हो? अच्छा, हम कब से दोस्त बन गए? तुम्हारा गला काटना अभी भी मेरे लिस्ट में ऊपर है। ओ, ये तो शर्म की बात है। मुझे लगा था कि हम अच्छे दोस्त बन गए हैं। थोड़ा आगे, हाँ, मिस्टर रे चार्ल्स बेटर हैं। क्या? नहीं कुछ नहीं, तुम्हारे मतलब का नहीं है। चांद, क्या हम यहाँ पर हैं? लग तो ऐसा ही रहा। ये कैसे मुमकिन हो सकता है? कैसे गई कि ये बहुत ही शक्तिशाली है। अच्छा, तो तुम्हें भी नहीं पता? मुझे भी नहीं पता।
मेरे ख्याल से तुम चांद पे उतरने वाली पहली औरत हो, क्या कहना चाहोगी? और तुम गलत हो। ओ अच्छा, इस जुड़वा बहन से मैं मिली हूँ। कौन है ये? ये तो मेरी जिज्ञासा को लगातार बढ़ाती जा रही है। मजेदार था। तुम्हें इन सब में कब से मजा आने लगा? हाँ देखो, मैं कभी भी इतना बेवकूफ नहीं। शांत हो जाओ, अपना मुंह चलाना बंद करो, समझे? समझ गया। मजाक कर रहे हो ना? हाँ, और वैसे भी चांद पर आने के बाद एक रोबोट का हमला झेलने के बाद एक रोबोट सूट पहनना मुश्किल नहीं होगा, है ना? ठीक है, मैं तैयार हूँ। मानना पड़ेगा मैं वाकई बहुत उत्तेजित हूँ ये जानने के लिए कि अब क्या होगा। रुको रुको, शुक्रिया। मगर तुमने ऐसा क्यों किया? पता नहीं, शायद मैं एक अच्छी इंसान हूं। शुक्रिया, मैं सच में एक, क्योंकि मैं तुम्हें अपने हाथ से मारना चाहती हूँ। जो भी हो, देखो अपना ध्यान रखना, हम दोनों इसमें साथ हैं, ये बात जानती हो ना? सही सलामत वापस आना, ठीक है? सफर का अंत। वापस मत आना। Thank you.
तुम वही हो ना? मैं उस वक्त देख और सीख रहा था जब तुम सपने देख रही थी मेरी प्यारी स्काउट। नहीं 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 नहीं, आराम से आराम से। ऊपर 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 और हम चल दिए। हाँ, ये बहुत अच्छा काम कर रहा है और ये काफी आसान भी है। यहां से दूसरे सितारे पर और फिर वहां से धरती पर। तुम बहुत बड़े बेवकूफ हो। ये क्या हुआ? अच्छा हुआ। No!
कोशिश करती हूँ, करती हूँ। भगवान ये क्या है? Thank you.
मैं इसको पूरा करके रहूंगी डैनियल, अपना काम खत्म करूंगी। इंतजार कर रहे हो? बहुत साल पहले क्रेल क्रिस्टल ने हमारे लोगों की दुनिया बनाई थी, मगर क्रिस्टल की जगह किसी को पता नहीं थी। जब सितारों की वजह से तबाही शुरू हुई, तब भगवान गैरन ने मुझसे कहा कि क्रेल को दुनिया में लाने के लिए, जिससे कि वो लोगों के लिए नया घर बना सके। मगर मैं ये काम नहीं कर पाई, इसलिए मैंने तुम्हें चुना। क्या आप अभी उठेंगे ताकि लोग आपका शुक्रिया कर सके, जो दुनिया आपने बनाई है? अपने घुटनों पर बैठ जाओ शायरन। अंतरिक्ष की रानी? बिल्कुल भी नहीं। अब समय के नदी में चलते हैं।
This movie is encoded by Dr. Star.